हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में आज हम बनाएंगे अंडे की भुजिया। अंडे की भुजिया बनाने के लिए मैंने रख दिया है कढ़ाई, और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच तेल के। अच्छी तरह गरम करेंगे। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई करना। तेल को हम 5 मिनट तक अच्छे से गरम करेंगे, और उसके बाद अपनी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन मैं वीडियो पूरा बनाती हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं भी नई नई वीडियो बना रही हूँ, तो अभी मुझे इतना मालूम भी नहीं है, तो इसलिए मेरी वीडियो लंबा हो जाता है। तेल हो गया है गरम। अब इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को अच्छे से सोटे कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। और हम सोटे कर लेंगे प्याज को, और प्याज को 5 मिनट तक सोटे करना है, ताकि इसका जो कच्चापन होता है ना वो ठीक हो जाए। और हम इसमें चला लेंगे और 5 मिनट इसको पकाएंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। अब डाल देंगे टमाटर, क्योंकि ये हो गई है ब्राउन। अब डाल देंगे टमाटर। एक टमाटर डालने के बाद एक बार चला देंगे। अब डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च और अब इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और फिर से चला देंगे। नमक आपको ज़्यादा नहीं डालना है, स्वाद के अनुसार रखना है। फिर से चला देंगे और आपको इसे अच्छे से पकाना है। अंडे की भुजिया बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 अंडे। मसाले को 10 मिनट अच्छे से पकाना है। मेरा बेटा भी मेरी हेल्प कर रहा है। आपको दिख रहा है कि मेरा बेटा भी मेरी हेल्प कर रहा है। और आप देखिए, मसाला हो गया है तैयार। तेल छोड़ रहा है ये, लेकिन आपको फिर भी 2 मिनट और पकाना है। मैंने अंडों को फेंट लिया है। अब इसमें डाल देंगे फेटे हुए अंडे। अंडे मैंने फेट लिया था, और जल्दी जल्दी आपको हाथ चलाना है ताकि ये लगे ना। आपको जल्दी जल्दी से हाथ चलाना है, ये नीचे लग जाएगी तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। भुजिया हो गई है तैयार। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई करना, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे।